हम लोग चलते हैं आज की क्लास की तरफ, जो कि है कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में डिकोडर और इनकोडर। कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट एज यू ऑल नो दैट इज अ सर्किट विच इज कंसिस्ट ऑफ द लॉजिक गेट हुज आउटपुट एट एनी टाइम इज डिटरमाइंड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रेजेंट कम्बिनेशन ऑफ इनपुट विदाउट एनी रिगार्ड टू द प्रीवियस इनपुट। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें हम लोगों को आज का जो टॉपिक है दैट इज इनकोडर। इनकोडर इज अ कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट डेट कन्वर्ट्स द बाइनरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टू पावर एन इनटू एन इनपुट लाइंस इनटू द एन आउटपुट लाइंस। क्या कि इन द फॉर्म ऑफ टू एन इनपुट लाइंस इनटू एन आउटपुट लाइंस। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास ये टू एन जो है टू इनपुट्स हैं तो टू टू ज़र फोर हो जाएगा, फोर इनपुट लाइंस को ये टू में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह अगर ये एन आपके पास थ्री हो जाएगा तो ये थ्री इनपुट्स को कन्वर्ट कर लेगा टू जो पावर थ्री इज इक्वल टू एट इनपुट लाइंस हो जाएगी, तो ये उसको थ्री में कन्वर्ट कर लेगा। फॉर दिस हम लोग एक सर्किट लेते हैं, एक इनकोडर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी टू सॉरी विच इज कॉल्ड हम एक सर्किट लेते हैं इनकोडर जिसको कहा जाता है ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर क्या काम करता है, जिस तरीके से आपको पता होता है, हमने पहले वीक्स में पढ़ा भी है कि ऑक्टल नंबर जो कन्वर्ट करते हैं इनटू बाइनरी तो वो मेक अ पेयर ऑफ थ्री बिट्स करते हैं। इसी तरह ये इनकोडर क्या कर रहा है कि ये ऑक्टल में एट बिट्स इनपुट ले रहा है और उसको थ्री आउटपुट्स में कन्वर्ट करके कर रहा है। कैसे कर रहा है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक इनकोडर है जिसके अंदर थ्री इनपुट्स हैं, एक इनकोडर है जिसके अंदर हमारे पास एट इनपुट्स हैं डी नॉट से लेकर डी सेवन तक, और वो प्रोड्यूस कर रहा है थ्री आउटपुट्स एक्स वाई एंड जेड। तो डी नॉट डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स एंड डी सेवन आर जी इनपुट्स एंड एक्स वाई जेड आर जी थ्री आउटपुट्स। इनपुट के लिए आपके पास टेबल में डी नॉट यहाँ से शुरू हुआ है और डी वन डी टू डी थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहाँ तक आया है। इसमें आप देखेंगे सिंपल लॉजिक ये है कि पहले डी नॉट को वन किया, फिर डी वन को, फिर डी टू को, थ्री को, फोर को, फाइव को, सिक्स को एंड सेवन को ऑन किया। इसके लिए कोई इतनी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और बाकी सबको आउट रखेंगे एट अ टाइम, इसका अंदर एट अ टाइम एक इनपुट से एक आउटपुट ही आपको प्रोड्यूस कर रहा होगा। यही इस इनकोडर के अंदर जो है फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे एक ड्रॉबैक भी है। सो यहाँ पर ये जो कम्बिनेशन बन रहे हैं आप यहाँ से लॉजिक सीखें, या आपको जो मैंने एट इनपुट वाले टेबल का लॉजिक सिखाई थी जिसमें आपको याद है एक्स वाई जेड थ्री इनपुट्स हैं तो नंबरिंग हमने यहाँ से दी थी राइट साइड से वन टू फोर। तो अगर आपके पास देखें डी नॉट ज़ीरो इंटर है ऑन है तो ये तीनों के तीनों ज़ीरो हैं और ये वन है और ये तीनों के तीनों जो है आपके पास ज़ीरो हैं, ठीक हो गया। तो आप जब डी नॉट डालेंगे इनपुट पे तो डी नॉट इनपुट जो है वो आपके पास जो है वो सारे के सारे डी नॉट इनपुट के डालने की वजह से ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। इसी तरह डी वन जब आप डालेंगे तो आपके पास वन पोजीशन, जैसे आपको याद है वन टू फोर था तो ज़ीरो के लिए सारे ज़ीरो ही हैं, वन के लिए वन पोजीशन वाला ऑन हो गया और बाकी ज़ीरो रह गए, ठीक है। इसी तरह टू जब डाला तो टू के लिए टू पोजीशन वाला ऑन हो गया, थ्री डाला तो टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री जो है वो आपके लिए ऑन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब आपने वन डाला तो ये फोर के लिए वन ये वाला ऑन हुआ, ये फोर पोजीशन है। इसी तरह फाइव के लिए फोर प्लस वन फाइव ऑन हुआ, सिक्स के लिए फोर प्लस टू सिक्स ऑन हुआ और सेवन के लिए ये तीन आउट हुए। जैसा कि इस टेबल के अंदर आपको क्लियरली शो है कि जब आपके पास ट्रिपल ज़ीरो है तो इसका मतलब आपके पास डी वन एक्टिव है, जब ज़ीरो ज़ीरो वन है तो डी वन एक्टिव है। सो इसी तरीके से जब आपके पास ट्रिपल वन होगा तो इसका मतलब डी सेवन एक्टिव है। तो इस टेबल को देखते हुए हम एक्स वाई जेड थ्री जो आउटपुट्स हैं ये देखें, इसमें आपके पास ये तीन आउटपुट हैं और एट इनपुट्स हैं। तो इन एट इनपुट से ये जो तीन आउटपुट्स हैं इनकी इक्वेशन हम ड्राइव करना चाहें तो एक्स पे जो जो सी वैल्यू वन है उसको हम लोग ले लें, तो एक्स पे डी फोर फाइव सिक्स सेवन है एक्टिव है तो हम लोगों ने एक्स की वैल्यू जो है इक्वेशन बना दी। इसी तरीके से हमने वाई के ऊपर जोन जोन से आने हैं डी टू डी थ्री डी सिक्स डी सेवन, उनके लिए हमने इक्वेशन बना ली, और डी सेवन के लिए डी वन डी थ्री डी फाइव और डी सेवन एक्टिव हैं वन है तो हमने उसकी इक्वेशन बना दी। तो इस तरीके से आपने देखें डी मल्टीप्लेक्सर को पढ़ा, उसमें हमने ऑक्टल टू बाइनरी को पढ़ा और उससे देन आपने टेबल बनाया, एट इनपुट्स लिए और उसके मुताबिक उसके आउटपुट जनरेट करके देखा और उससे आपके पास एक्स वाई जेड या ए बी सी कोई भी आप वेरिएबल ले लें उनके आपके पास इक्वेशन ड्राइव हो गई जो कि इस वक्त यहाँ तक है।
ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब इसी की बेस के ऊपर हम लोगों ने आगे जो है सर्किट, ओके, इसी की बेस पे आगे हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं, हम चलते हैं। तो ये डायग्राम को जब आप देखते हैं फर्स्ट लुक में तो आप घबरा जाते हैं कि ये इतनी मुश्किल डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, आपने यहाँ पर देख लिया इक्वेशन एक्स वाई जेड, तीन आपके पास इक्वेशन से बनी है एक्स वाई जेड, और इनके डी फोर, इन सब के दरमियान कौन सा साइन है, प्लस का साइन। ये लॉजिकल एडिशन है सर्किट में, आपको पता है हमेशा जो भी प्लस या डॉट का साइन है तो वो लॉजिकल एडिशन या मल्टीप्लीकेशन का। तो लॉजिकल एडिशन के लिए यू नो डैट कि आपके पास आर गेट यूज़ होता है, तो आर गेट तीन ले लिए, एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए, जेड के लिए। इन वायरिंग को जो है फिलहाल जो ये वायरिंग है इनको भूल जाएँ, ये नहीं है। आपने तीन इनपुट्स प्रोड्यूस, आपने एट इनपुट से तीन आउटपुट प्रोड्यूस करने हैं, तो तीन आउटपुट एक्स वाई जेड के लिए आपने आर ले लिया, बिकॉज सब के दरमियान आपके पास इक्वेशन से पता है कि प्लस का साइन है, तो आपने आर गेट ले लिया, क्लियर। उसके बाद आपने एट इनपुट्स बना लिख लिए, वो लोग लिख लिए। अब देखें एक्स में कौन कौन सी वायर जा रही है, डी फोर, तो आपने देखे पहली वायर यहाँ से ली, इधर इंटर की, डी फाइव जा रहा है इधर लाए, इस तरह डी सिक्स इंटर किया एंड इस तरह डी सेवन इंटर किया। तो आपके पास देखें एक सर्किट कम्प्लीट हुआ। अब अगेन वायरिंग करनी है, डी टू यहाँ से आया, डी थ्री यहाँ से आया, डी फोर आपके पास देखें, डी फोर इसमें जो आपके पास वाई के लिए आ रहा है, डी सिक्स, सॉरी डी सिक्स यहाँ से आ गया एंड डी सेवन यहाँ से आ गया। उसके बाद जेड के लिए डी वन ऊपर से आया, डी थ्री देखें ऑलरेडी इधर आया हुआ, तो हमने देखें दरमियान से कनेक्शन लिया। ये कनेक्शन इसलिए दरमियान से लिया बिकॉज हम वायर की कीमत को भी बचा रहे हैं, सर्किट की कॉस्ट को भी बचा रहे हैं और सर्किट के साइज़ को भी रिड्यूस होगा। जब आप वायरिंग कम से कम यूज़ करेंगे तो सर्किट का साइज़ ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा, उसकी वजह से कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, और यही एक बेस्ट और एफिशिएंट सर्किट की खूबी है कि वो सर्किट स्मॉल से स्मॉल और लेस कॉम्प्लिकेटेड हो और उसमें वायरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो। तो आपने यहाँ से कनेक्शन लिया, उसके बाद यहाँ पर डी फाइव से ले लिया एंड देन डी सेवन से कनेक्शन ले लिया, रास्ते में आपको मिल गया, तो ये एक सर्किट बना। इस सर्किट को आप अपनी कॉपियों पर बनाएं, इंशाल्लाह बहुत आसानी से आप बना लेंगे। ब्लैक ब्लू एंड ब्लू ब्लैक एंड रेड या ग्रीन रेड एंड ब्लैक तीन वायरिंग को यूज़ करें ताकि आपको समझ आए कि आपका इनपुट किधर से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, कौन सा इनपुट, ताकि कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो वो क्लियर हो जाए आपके जहन में, क्लियर होगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और वो कह रहे हैं कि लिमिटेशन, वन लिमिटेशन जो शुरू में ही बताया कि एट अ टाइम जो है वन इनपुट कैन बी एक्टिव एट एनी गिवन टाइम। आपके पास अगर डी नॉट है तो डी नॉट पहले आएगा, फिर डी वन, डी टू, जो एक किसी को आप एट अ टाइम एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप एट अ टाइम दो को एक्टिव करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आप के पास डी थ्री को भी एक्टिव कर ले और डी सिक्स को भी एक्टिव कर ले, तो डी थ्री से आपके पास देखें वन 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 आया और डी सिक्स से आपके पास वन और ये वन, तो तीनों वन हो जाएंगे, जो कि प्रोड्यूस करेगा आपके पास सेवन का आउटपुट। यही बात यहाँ पर मैंने लिखी है कि अगर एट अ टाइम आपने इनपुट्स को जो है दो इनपुट्स एस डी सिक्स और डी सिक्स को बोथ को एक्टिव किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा ट्रिपल वन। और यही वो कह रहा है कि अगर आप वन मोर देन वन इनपुट को एक्टिव करेंगे तो आउटपुट आपके पास अनडिफाइन होगा, क्यों, बिकॉज आपने डी सिक्स डी थ्री को फॉर एग्जाम्पल अगर इनपुट को एक्टिव किया तो आंसर ट्रिपल वन आ जाएगा, जो कि आउटपुट है डी सेवन का, तो इसलिए इसको कहा जाते हैं अनडिफाइन इनपुट हो गया। सो इस प्रॉब्लम की वजह से ये एक इसकी लिमिटेशन है, और इस लिमिटेशन को लेटर ऑन ठीक भी किया गया है विद द हेल्प ऑफ द प्रायोरिटी इनकोडर, जो कि इस मसले को हल कर देते हैं। इसके अलावा सेकंड लिमिटेशन इसके अंदर वो ये है कि एम्बिग्यूटी पाई जाती है कि जब कोई भी इनपुट आप ना डालें ज़ीरो, तो उस वक्त मतलब सर्किट में सब ज़ीरो है, तो इस केस में ऐसा है जैसा आपने पढ़ा कि जब सारे इनपुट ज़ीरो हैं तो डी नॉट एक्टिव हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इधर इस वक्त जब कहता कोई भी इनपुट नहीं आ रहा तो वो सारे ज़ीरो हैं, तो वो ज़ीरो के लिए डी नॉट एक्टिव हो जाता है कि ये डी नॉट से वन एक्टिव हुआ, ये इसलिए सारे ज़ीरो आए हैं, तो ये एक अंदर एम्बिग्यूस हो जाता है। और इसको अवॉइड करने के लिए एक एक्स्ट्रा बिट को ऐड कर दिया जाता है आउटपुट के ऊपर, जो कि कॉल कराई जाती है वैलिड बिट, और ये वैलिड बिट जो होती है इस ज़ीरो होती है जब ऑल द इनपुट्स आर ज़ीरो होते हैं, अदरवाइज ये वन होती है जब बाकी इनपुट आना शुरू करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जब डी नॉट से इनपुट आएगा तो ये एक्टिव बिट ज़ीरो नहीं होगी, ये वन ही होगी, लेकिन अगर किसी से भी कोई इनपुट नहीं आ रहा तो ये फिर ज़ीरो होगी, जिसे शो कर रही होगी कि इस वक्त किसी भी एक इनपुट से कोई
जो है डेटा नहीं आ रहा, तो ये आपको इस मसले का हल यूँ निकाला गया। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही है। कोई इशू कोई मसला हो आप मुझसे इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्लियर है। ओके, द सेकंड टॉपिक इज़ डिकोडर। डिकोडर हमारे पास हमेशा इनकोडर एंड डिकोडर जो है वो हमारे पास जो काम करते हैं सर्किट्स में एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एक साइड पे अगर डिकोडर लगा है तो दूसरी साइड पे इनकोडर लगा हुआ है। इनकोडर क्या है, मल्टीपल इनपुट्स को कंबाइन करके लिमिटेड आउटपुट पे बेचे। ये क्या करता है, लिमिटेड आउटपुट को एज अ इनपुट लेके और उसको इक्वल नंबर ऑफ आउटपुट पे डिवाइड करता है। यानी अगर अभी हम जाए ऑक्टल टू बाइनरी पर है, ऑक्टल 8 इनपुट्स दे रहा है और उसको 3 आउटपुट पे 3 आउटपुट के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या करता है, ये उन 3 इनपुट्स को जो कि इनकोडर के जो है 3 इनपुट्स को क्या है वो अपने पास एज अ 3 आउटपुट जो इनकोडर के उनको एज अ इनपुट लेता है और फिर प्रोड्यूस करता है 8 आउटपुट्स करता है। तो देखिए डिकोडर का ये मेन काम है। फॉर एग्जांपल ये n इन लाइंस लेता है और 2n कह रहा है। फॉर एग्जांपल ये इसने अब 3 लाइंस लेगा और आपके पास 2n पावर लाइंस आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो अगर 3 इनपुट लेगा तो 2 पावर n इज इक्वल टू 3। ये अगर n इज इक्वल टू 3 तो 2 2 4 4 2 8 टोटल 8 आउटपुट लाइंस लेगा। अभी जो ऊपर टॉपिक किया ये उसका अपोजिट काम कर रहा है। अब वही जो इनपुट उधर से निकले थे जब वो आगे आते हैं डिकोडर से कनेक्ट होते हैं तो डिकोडर के लिए वो तीनों इनपुट बन गए और अब ये जो प्रोड्यूस करेगा वो आउटपुट करेगा। अगेन वही टेबल जो मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया है, 8 के लिए वैसे ही बनाया है 0 0 0 0 0 1 1 2 4 8 1 2 4 8। ये याद रखिएगा, तो ये 1 पहला 0 फिर 1 फिर ये 2 फिर ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 एंड ये 7। ये आपके पास टोटल बन गए 8 इनपुट्स, 2 पावर 3 इनपुट्स आपके पास आए हैं। तो आपके पास अब 3 इनपुट्स हैं तो 3 इनपुट के ये 8 कम्बिनेशन बने, उनसे अब आउटपुट कितने निकल रहे हैं, आउटपुट 8 निकल रहे हैं। 8 आउटपुट को अकॉर्डिंगली अगर डील करें तो जब 0 0 डालेंगे तो आपके पास डी नॉट एक्टिव होगा, जब 0 0 1 डालेंगे तो डी 1, जब 0 1 0 डी 2, जब 0 1 1 डालेंगे तो डी 3, 1 0 0 डालेंगे डी 4, 1 0 1 5, 1 1 0 6 एंड 1 1 1 से आपके पास D7 एक्टिव हो जाएगा। सो ये इस दफ़ा यहाँ पर ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ये उसके अपोजिट काम करेगा। तो ये सिंपल सी बात है। इस डायग्राम को देखते हुए अगर आप देखें तो आपके पास अब आउटपुट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 आउटपुट्स हैं। उन 8 आउटपुट्स की इक्वेशन आपके पास कैसी आएगी, 8 आउटपुट पे पहला डी नॉट एक्टिव किधर है, जब ये तीनों 1 है। तो ये देखें आपको याद है जब ये 0 0 होते हैं तो अगर आप इसको मेन टर्म लें तो ये एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट एंड जेड बन जाता है। इसी तरह ये एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट एंड सिंपल जेड, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई सिंपल और जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई एंड जेड, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, ये इस तरीके से आपके पास इक्वेशन लिए। तो ये आपको यहाँ से हमने डी 1 से डी नॉट से लेकर डी 7 तक की सारी इक्वेशन ले ली। इन इक्वेशंस को हम लोग जब देखें तो हम लोग के पास 3 इनपुट्स बन गए एक्स वाई जेड। उनके साथ हमने ये देखें ये लाइन सिंपल लाइन है और ये देखें इनके साथ इन्वर्टर लगाया है, ये कॉम्प्लीमेंट को शो करिए। तो पहले इन पूरे सर्किट को आप भूल जाएँ, पहले आप ये दो जो है एक सिंपल लाइन और एक इन्वर्टर वाले इनपुट्स इन तीनों के लिए बना दें। इधर डी नॉट डी से लेके डी 7 तक 8 आउटपुट बना लें। अब इसमें 1 बाय 1 तार कनेक्ट करें तो पहले में एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट एंड जेड कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट हो गया, देन एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट एंड सिंपल जेड कनेक्ट हो गया, फिर इधर से एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई सिंपल एंड जेड कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट हो गया, इधर से फिर एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई सिंपल एंड जेड का इधर का हो गया, इधर से एक्स सिंपल वाई कॉम्प्लीमेंट एंड जेड कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट हो गया, इधर से एक्स सिंपल वाई कॉम्प्लीमेंट एंड जेड कॉम्प्लीमेंट हो गया, इधर से आपके पास एक्स सिंपल वाई सिंपल एंड जेड कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट हो गया और यहाँ पर आपके पास एक्स वाई जेड सारे के सारे सिंपल हो गए। तो इस तरीके से आप 3 कलर के पेन यूज़ करके इस डायग्राम को बनाएं। नोट्स में आप लोगों ने अपनी कापियों में बना के मुझे तस्वीर भिजवानी है। कहीं पर कोई इशू कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस करने फ्राइडे के दिन आ जाए।